बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन वो कंपनी खोलना नहीं चाहते क्योंकि उसमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, कंप्लायंसेस होते हैं, मैनेजमेंट में इश्यूज होते हैं, और ओपीसी इसीलिए नहीं खोल सकते क्योंकि वो दो या दो से ज़्यादा लोग हैं। तो ऐसे में वो क्या करेंगे? उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है टू ऑप्ट फॉर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, जिसे हम शॉर्ट में LLP भी कहते हैं, जो कि 2008 में इंट्रोड्यूस हुई है। मैं वर्षा लीगली से आज आपको बताऊंगी कि LLP क्या होती है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं और इसको कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाता है। LLP जो कि एक पार्टनरशिप है, तो इसमें दो लोगों का होना कंपलसरी है, लेकिन इसमें दो DPs का भी होना कंपलसरी है। DPs यानी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, जो कि कंपनी की डे टू डे एक्टिविटीज, कंप्लायंसेस इसकी तरफ देखेंगे। और तो और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स में से एक इंसान रेसिडेंट होना चाहिए इंडिया का, क्योंकि LLP कॉम्बिनेशन है एक पार्टनरशिप और कंपनी का, तो इसमें दोनों के बेनिफिट्स का मिक्सचर है, जैसे सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, ये आया कंपनी से, तो आया लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर टू हिज कॉन्ट्रीब्यूशन, और कॉस्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लो, जैसे कि पार्टनरशिप में। तो चलिए अब देखते हैं कि प्रोसेस क्या है एक LLP को इनकॉर्पोरेट करने का। पहले LLP बनाने में भी बहुत सारे स्टेजेस हुआ करते थे, लेकिन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप सेकेंड अमेंडमेंट ऑफ रूल्स 2018 जो कि एप्लीकेबल हुआ है 2 अक्टूबर 2018 के बाद, उसमें फॉर्म कर दिए गए हैं कम, और तो और प्रोसीजर कर दिया गया है बहुत ही कन्वीनियंट, यानी सिर्फ एक फॉर्म है, फॉर्म फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ LLP, जिसे शॉर्ट में FILLIP भी कहते हैं। इस फॉर्म के जरिए आप ना ही सिर्फ नेम अप्लाई कर सकते हैं, बल्कि इसी में डिन अप्लाई कर सकते हैं, इसी में आप इनकॉर्पोरेशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और तो और इसी में आप पैन और टैन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन नेम अप्रूवल के लिए दूसरा एक फॉर्म भी इन्होंने रखा है, जो कि है रन LLP। इस फॉर्म को इसलिए रखा गया है ताकि जो लोग थोड़ा भी कंफ्यूज्ड हैं कि इस नाम का कहीं और सिमिलर यूटिलाइजेशन तो नहीं हो रहा है, या ये किसी ट्रेडमार्क, किसी कंपनी या किसी और LLP के नाम से सिमिलर तो नहीं है, वो इसमें पहले नेम अप्रूवल कर सकते हैं, उसके बाद सारा प्रोसीजर कर सकते हैं। रन LLP जो कि एक ऑनलाइन फॉर्म है, इसे आप MCA की वेबसाइट से फिल कर सकते हैं, और इसमें आप दो नाम प्रपोज कर सकते हैं, या तो ये दो नाम में से कोई अप्रूव होगा या रिजेक्ट होगा। अगर रिजेक्ट होगा तो आपको फिर से फिल करना होगा, और अगर आपके नाम अप्रूव होते हैं तो विदिन 90 डेज आपको LLP का इनकॉर्पोरेशन करना होगा। उसके बाद आपको अप्लाई करनी होगी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, क्योंकि जब नेक्स्ट फॉर्म फिल होगा उसमें बिना डिजिटल सिग्नेचर के फॉर्म अपलोड नहीं हो सकता है। जनरली Class 2 कैटेगरी की 2 साल की वैलिडिटी वाली डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट लोग प्रेफर करते हैं। इसके बाद पहले DPIN लिया जाता था, लेकिन अब क्योंकि आप DPIN नए फॉर्म में डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, तो डायरेक्टली आप नेक्स्ट फॉर्म की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले आपको प्रिपेयर करने होंगे कुछ डॉक्यूमेंट्स, यानी प्रूफ ऑफ ऑफिस एड्रेस। अगर आपका रेंटेड प्लेस है तो आपको रेंट एग्रीमेंट तैयार करना होगा, और अगर आपका ओन प्लेस है तो आपको उसके डॉक्यूमेंट्स डालने होंगे। अगर आपका रेंटेड प्लेस है तो आपको लैंडलॉर्ड से NOC भी रिक्वायर्ड होगी। उसी के साथ साथ आपको लगेगा कंसेंट ऑफ ऑल दी पार्टनर्स, और जिनका DPIN आप अप्लाई करना चाहते हैं उनका पैन और एड्रेस प्रूफ भी आपको लगाना पड़ेगा। उसके बाद आपको डालनी होगी पार्टनर्स की डिटेल्स कि वो कौन से और LLP या फिर और कौन से कंपनीज में एज पार्टनर्स या डायरेक्टर्स हैं। फिर आप जाएंगे फॉर्म फिल करने की तरफ। फॉर्म जो आपको फिल करना है वो मैंने आपको पहले भी बताया था, फॉर्म ऑफ इनकॉर्पोरेशन फॉर LLP। अगर नाम अप्रूव पहले किया है तो उसका SRN डालेंगे, और उसके बाद आगे का प्रोसेस करेंगे। फॉर्म फिल करके आपको सबमिट करना होगा, इसके बाद आपको इशू किया जाता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। लेकिन कहते हैं ना, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, यानी एक काम और बचा है। विदिन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको एग्जीक्यूट करना होता है LLP एग्रीमेंट। LLP एग्रीमेंट में बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि नेम ऑफ LLP, प्रपोज्ड बिजनेस क्या होगा,
राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, रेम्यूनरेशन क्या होगा, कोई नया पार्टनर ऐड होना चाहते हैं तो वो कैसे होगा, ये सारी चीज़ें उसके अंदर होती हैं। इसकी स्टैम्प ड्यूटी हर स्टेट के लिए अलग होती है। और तो और LLP के दोनों फॉर्म्स, LLP 13 और इनकॉर्पोरेशन फॉर्म, दोनों में आपको सर्टिफिकेशन लगेगा प्रैक्टिसिंग CA या फिर CS या फिर CMA का। और अब आप सोचेंगे कि इतना सारा काम आपके लिए, जैसे कि LLP एग्रीमेंट ड्राफ्ट करना, उसके बाद नेम सोचना, नेम के लिए अप्लीकेशन करना, और इतनी सारी फॉर्मेलिटीज आप कैसे करेंगे, तो आपको हेल्प कर सकता है आपका लीगल कोच यानी लीगलीज। लीगलीज के एक्सपर्ट्स आपको ना सिर्फ नेम अप्लीकेशन में हेल्प करेंगे बल्कि LLP एग्रीमेंट से लेके हर प्रोसेस में आपका साथ देंगे। आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट के जरिए www.legalease.in पे, या फिर आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 9119193348 पर। थैंक यू।